सभी मित्रगणों को होली की और आज के दिन की जो आज संबोधि दिवस है बहुत बहुत बधाई। और आज आप सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए इसकी बहुत बहुत खुशी। उस सब में सभी मित्र शामिल थे तो सब उत्सव पूर्ण हो गए होंगे। तो जिस चीज में हम शामिल होते हैं वही हम हो जाते हैं। तो उत्सव में शामिल हो और उत्सव हो जाओ। इतने फोन क्यों रखे हैं? रिकॉर्डिंग कुछ चुप जाए के लिए। एक आध भजन सुन के फिर शुरू करें अपन चर्चा। तो एक भजन गा दो कोई सा भी गा दो, बिना गले के गाओ कोई बात नहीं। तो कह रहे ये गला जरा दबा हुआ है। गले के हाँ तो समाधि ने भी कीर्तन करा दिया। गाओ बेटा एक भजन। बाला मैं बैरागन हूँगी, बाला मैं बैरागन हूँगी, जिन भेषा मेरो साहब रीछे सोही धरूंगी। बाला मैं वैरागन हूंगी, बाला मैं वैरागन हूंगी, जिन भेषा मेरो साहब रीछे सोही धरूंगी। बाला मैं बैरागन हूंगी, प्राण हमारा वहां बसते है यह तो खाली खोर, प्राण हमारा वहां बसते है यह तो खाली खोर, मात पिता परिवार सोए, मात पिता परिवार सोए, रही तिनका तो बाला मैं वैरागन हूँगी, बाला मैं वैरागन हूँगी, जिन भेषा साहब रीछे सोही भेष धरूंगी। बाला मैं वैरागन हूंगी, कहो तो मोतियन मांग रचाऊ, कहो तो भगवा भेष, कहो तो मोतियन मांग रचाऊ, कहो तो भगवा भेष, कहो तो कहो चित कावा केश। बाला मैं वैरागन हूंगी, बाला मैं वैरागन हूंगी, जिन भेषा मेरो साहब रीछे सोही भेष धरूंगी। बाला मैं वैरागन हूंगी।
ताली बजाने से क्या होता है, किसी और का भी दिल होता गाने ताली बजाने से। बाबा ये कोई भी गाए ताली बजाने से। बाबा एक और है जो होली का गाना गाए। हाँ गाओ ना। अगर आ जाए देखो तालियों से कोई निकला। हाँ आज खेलो शाम संग होरी होरी, खेलो शाम संग होरी, पिचकारी रंग भरी केसर की, पिचकारी रंग भरी केसर की, आज खेलो शाम संग होरी होरी, खेलो शाम संग होरी। कुंवर कन्हैया संग सखी राधा, कुंवर कन्हैया संग सखी राधा, रंग भरी जोरी सोहतरी, रंग भरी जोरी सोहतरी, आज खेलो शाम संग होरी होरी, खेलो शाम संग होरी। तालियां बजवाना हो तो गा। याद नहीं आ रहा। ताली ज्यादा बज गई तो याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, माफ कर देते। और किसी का दिल तो नहीं कर रहा? शायद नहीं कर रहा। आ गया, याद आ गया, याद आ गया बाबा। हमका जोगनिया बना गए अपन जोगी हो के राजा, हमका जोगनिया बना गए अपन जोगी हो के राजा, हमका जोगनिया हमका जोगनिया हमका जोगनिया हमका जोगनिया, हमका जोगनिया बना गए अपन जोगी हो गए राजा, हमका जोगनिया बना गए अपन जोगी हो गए राजा, दस दरवाजे का बंगला बना गए, दस दरवाजे का बंगला बना गए, बंगला तो खूब सजा गए अपन जोगी हो गए राजा, बंगला तो खूब सजा गए अपन जोगी हो गए राजा, बंगले में भोली सी मैना बिठा गए, बंगले में भोली सी मैना बिठा गए, बोली अनेकन सिखा गए अपन जोगी हो गए राजा, बोली अनेकन सिखा गए अपन जोगी हो गए राजा, एक दिना कछु बोले न चाले, एक दिना कछु बोले न चाले, बंगला तो खाली करा गए अपन जोगी हो गए राजा, बंगला तो खाली करा गए अपन जोगी हो गए राजा, हमका जोगनिया बना गए अपन जोगी हो गए राजा।
मुझे आते हैं गीत? नहीं आते? आते हैं? नहीं आते, आते हैं। हमने तो गाते सुना है आप, उधर गा नहीं रहे थे आप? नहीं गा रहे थे? नहीं। अच्छा खेल रहे थे? अच्छा हम समझ रहे गा रहे थे। तो हम चर्चा शुरू करें कैसे? किसी लोक में चले? कहाँ से शुरू करें? बाबा मेरी शक्ति और कदम जोर से बोलो, जोर से बोलो। मेरी शक्ति मुझसे उठ के परम शिखर को छू के फिर मुझसे ही लौट। तुम्हारी शक्ति? हाँ, मेरी शक्ति भीतर से उठती है और मेरे शिखर को छू के फिर मुझ में ही लौट जाती है। वो विज्ञान को जरा रहस्य समझाने की। तुम्हारी शक्ति तुमसे उठती है, हाँ, तो तुम में ही खो जाती है। हाँ, उस विज्ञान को समझाने की, रहस्य को खोलने की बात। कहाँ खो जाती है? मुझ में ही खो जाती है। तुम में ही खो जाती है। ऊपर उठती है फिर मुझ में ही उठकर खो जाती है, फिर खो जाती है। उस रहस्य क्या है? और उससे ऊपर नहीं जाती? वो तो रहस्य जानना है ना, इसीलिए प्रश्न है। वो क्या है? विकास की जो तोड़ते हुए ऊपर चल जाती है, फिर गिरती है, फिर मुझ में ही समा जाती है, फिर उठती है, फिर उठती है, फिर खो जाती है, फिर समा जाती है। उस विज्ञान क्या है? ये विज्ञान क्या है असली में? अब तुम बैठ जाओ। इन मित्र ने पूछा है कि ध्यान में इनके भीतर कुछ शक्ति उठती है और फिर इनमें ही लय हो जाती है। बहुत बार उठती है और बहुत बार लय होती है, बहुत बार उठती है और बहुत बार लय हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा पूछा है। साधना आदमी के अंदर शक्ति पैदा करती है, सोई हुई शक्ति को जगाती है। अधिकतर क्या होता है जीवन के जाने माने जो खंड हैं, जो हमारे जाने माने खंड हैं जीवन के, हम जीवन को चार खंडों में जानते हैं। एक तो हमारा ये शरीर है, फिर दूसरा हमारा भाव शरीर है, तीसरा हमारा सूक्ष्म शरीर है और चौथा मन शरीर। इससे ऊपर हमारी समझ जाती नहीं और उसके कारण सबसे कठिन होता है। कोई व्यक्ति पहले प्लेटफार्म को छोड़ दे। जनरली लोग क्या करते हैं कि पहले प्लेटफार्म पे ही जिंदगी उनकी खत्म हो जाती है, मतलब वो स्थूल शरीर से ऊपर जाते ही नहीं। अगर साधक नहीं है तो स्थूल शरीर के बाहर जाने की समझ ही पैदा नहीं होती।
तो साधना में हम स्थूल शरीर को समझ पाते हैं, उसके भीतर प्रवेश करते हैं। जाने अनजाने आप देखना साधना में, गैर साधना में और साधना में जो फर्क है वो ये है कि साधना में आप अपने आप को बिल्कुल बाहर अनुभव करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बाहर खड़े हो आप, इस शरीर के भी बाहर ही खड़े हो। जब कोई पीड़ा दुख तकलीफ होती है तो आपको इस शरीर का अंदर का अनुभव होता, अदरवाइज होता नहीं। साधक को बिना किसी पीड़ा तकलीफ के दूसरे शरीर का अनुभव होता है, भीतर के शरीर का अनुभव होता है। बार बार तुम बाहर आओगे, बार बार भीतर जाओगे, ऐसा तुम्हारा खेल चलेगा। फिर अगर साधक साधना करते ही चला गया, करते ही चला गया, तो भाव शरीर में जाएगा, भाव शरीर में उसे और अच्छा लगेगा, फिर तीसरे शरीर में जाएगा तो और अच्छा लगेगा, बहुत एनर्जी हो गई ऐसा लगेगा, फिर चौथे शरीर में बहुत एनर्जी लगती है, ऐसा साधकों को बहुत हो जाता है। बहुत साधकों को होता है कि हम किसी ऊंचाई पे चले गए। असली में होता क्या है, चार शरीर तक यात्रा वहीं की वहीं रहती है। चार शरीर में क्या होता है, जो दुविधा है, जो इनकी दुविधा है वो सबकी दुविधा है। चार शरीर में क्या होता है कि तुम कोई किसी शरीर के ऊपर चले गए, ऐसा नहीं है। ये एक ही शरीर के चार तल हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए कहूं कि एक चार मंजिल मकान है, तो पहली मंजिल पे गए आप और फिर दूसरी मंजिल पे गए, फिर तीसरी पे गए, फिर चौथी पे गए, और चौथी मंजिल से तुम्हें पता नहीं है। तो चौथी मंजिल को तुमने मान लिया कि आखिरी मंजिल आ गई, और चौथी मंजिल के बाद यात्रा। अगर कोई साधक लौटता है साधना से तो चौथी मंजिल के ऊपर गया नहीं, पहले तो उसे ये मान लेना चाहिए कि चौथी मंजिल पे वो जाता है, और चौथी मंजिल की जड़ें पहली मंजिल में है, क्योंकि वो महल एक ही है जिसके चार तल हैं। पहला तल है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा। तो हम क्या करते हैं कि पहले से चार तक जाते हैं, चार से फिर पहले पे आ जाते हैं। तो साधकों की ये स्थिति होती है कि जब तुम चौथे में होते हो तब तुम्हें पांचवे का ग्रेस मिलता है, ये ग्रेस से चलता है। जब तुम पहले में होते हो तो दूसरे का ग्रेस मिलता है, दूसरे में होते हो तो तीसरे का ग्रेस मिलता है, तीसरे में होते हो तो चौथे का ग्रेस आ जाता है, और जब चौथे में होते हो तो पांचवे का ग्रेस आता है। और पांचवे के ग्रेस में साधक समझ नहीं पाता कि ये मंजिल पे पहुंच गए हम, आगे ऐसा लगता है कि अब कोई मंजिल नहीं है, ऐसा लगता है कि अब कोई मंजिल नहीं है। और जिस दिन साधक को ऐसा लगेगा आगे कोई मंजिल नहीं है, तो फिर यात्रा तो करेगा तो नीचे गिरेगा, नीचे आ जाएगा लौट के। अगर यात्रा करने को कुछ नहीं बचा है, ऐसा लगने लगे किसी को कि ये तो चौथी मंजिल आ गई और यही आखिरी मंजिल है, आखिरी मंजिल से आपको नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि आपको गति में तो रहना पड़ेगा। तो अभी क्या कर रहे हैं साधक, ये इनकी कहानी नहीं है, बहुत लोगों की कहानी है। मैं आपको ये केवल इनका प्रश्न नहीं है, यहाँ जितने लोग बैठे हैं बहुत लोगों का प्रश्न है। इसमें भी इस यात्रा में अगर व्यवस्थित ढंग से यात्रा नहीं हुई, जैसे लोग कहते हैं कि होते चौथी मंजिल में हैं
और उनको ऐसा लगता है कि वो छठवीं में चले गए या पांचवीं में चले गए, उन्हें ऐसा लगता है। जिनको ऐसा लगता है कि वो चौथी में या पांचवीं में चले गए हैं, उनको ही ये विडम्बना रहेगी कि वो नीचे जमीन पे आएंगे, ऊपर जाएंगे, नीचे जमीन पे आएंगे, ऊपर। यहाँ क्या हो जाता है, क्योंकि अहंकार की बड़ी भूमिका है, गजब की भूमिका है। संसारी को इतना मजबूत अहंकार नहीं होता, संसारी को कायदे से देखो तो अहंकार ही नहीं होता, एक गलत बात है। चौथे शरीर को जो आदमी नहीं छूता है, उस आदमी को अहंकार छूते ही नहीं है। अहंकार इतने टुकड़ों में रहता है संसार में, इसलिए संसार में अहंकार की कोई कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ना अहंकार है ना संकल्प है संसार में। आपका अहंकार कहीं भी झुकने तैयार है, कहीं भी समझौता करने तैयार है, दो पैसा में फुसला ले आपके अहंकार को कोई, ये कोई अहंकार हुआ? ये कोई अहंकार नहीं है जो हम संसार में बातें करते, कोई अहंकार ही नहीं है। अहंकारी होता है साधु, तुम आश्चर्य करो क्यों होता है अहंकारी, साधु का जो अहंकार है, और बिना अहंकार के यात्रा नहीं होती। अब यहां क्या होता है कि अहंकार एक तृप्ति अनुभव करने लगता है, क्योंकि अहंकार सघन हो गया, साधक का अहंकार हो गया सघन, संसारी का अहंकार है विरल। समझना मेरी बात भोर गौर से। तो अहंकार पहली बार जन्मता है साधु में, और अहंकार बुरी चीज नहीं है, अहंकार को ही एकजुट करना है। देखो संसार में भी हम क्या कर रहे हैं, जो धन कमा रहे हैं वो अहंकार में क्रिस्टलाइज हो रहे हैं, जो राजनीति में है वो अहंकार में क्रिस्टलाइज हो रहे हैं, जो किसी पद पे बैठे हैं वो अहंकार में क्रिस्टलाइज हो रहे हैं। इस जगत में, संसार में भी हम सब प्रयास कर रहे हैं कि कैसे अहंकार में क्रिस्टलाइज हो जाए। अहंकार में क्रिस्टलाइज का मतलब ये होता है कैसे हम एकजुट हो जाएं, हम जो कहें वही हो, हम जो माने वही हम अनुभव करें। लेकिन संसार में जो कितने प्रयास करने के बाद भी ये होता नहीं है, अहंकार इतना क्रिस्टलाइज हो नहीं पाता है, बहुत कम लोगों का होता है। और संसार में क्रिस्टलाइजेशन के बाद एक विक्षिप्तता आने लगती है आदमी के अंदर। अब ये अहंकार साधक में क्रिस्टलाइज होता है, इसे गलत मत समझना, बिना अहंकार के यात्रा होगी ही नहीं, क्योंकि अहंकार ही यात्रा करेगा। हम साधना करते हैं, परमात्मा को जानना चाहते हैं, जो भी हमारे अंदर, कौन जानना चाहता, कौन परमात्मा को पाना चाहता, अहंकार के अलावा यात्रा होती नहीं। आपके पास अगर कोई चीज है तो एक ही चीज है, वो है अहंकार, और अहंकार छिछला है, उसकी पीड़ा भोग रहे हो। क्योंकि जब अहंकार खंडित होता है तो अहंकार अहंकार का ही मजा नहीं ले पाता, खंड में, टुकड़ों में होता, टूटा हुआ होता, कहीं भी झुकने तैयार होता, कहीं भी बिकने तैयार होता, कहीं भी मिटने तैयार होता है, ऐसा अहंकार तृप्त नहीं होता। साधु का अहंकार गजब का तृप्त होता है। साधु जब अहंकार में होता है तो तृप्ति किस चीज की है, साधना में, साधना करते 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 जब साधक पांचवें शरीर की तरफ जाता है, चौथे शरीर से भी ऊपर की तरफ जब यात्रा होती है, तो वो पांचवें शरीर की यात्रा तक पहुंचता है, और वहां उसका अहंकार गजब का तृप्ति अनुभव करता है। उसे भीतर से ऐसा लगता है कि मैं भगवान हूँ, मैं सब कुछ हूँ। और अहंकार जब तक ये न कह दे कि मैं भगवान हूँ, तब तक वो तृप्त हो नहीं सकता। अहंकार की बड़ी लीला है, बड़ी यात्रा है उसकी। लेकिन
अब आपने चार शरीरों की यात्रा की, पहले शरीर को भुलाया, दूसरे शरीर को भुलाया, तब तीसरे में गए, तीसरे को भुलाया तो चौथे में गए, चौथे को थोड़ा सा भुलाया और पांचवें शरीर की झलक अहंकार की तरह, अस्मिता की तरह तुम्हें मिली। लेकिन क्या है, सबसे बड़ी बाधा जो साधक को है वो यही है। बड़े बड़े साधक गहरी यात्राओं में जाते हैं, बहुत गहरी यात्रा में जाते हैं, और जो पांचवें शरीर और चौथे शरीर के बीच में एक इतनी जबरदस्त दीवार है, वो अहंकार की ही दीवार है। यानी यहाँ से मिटना शुरू होगा, यहाँ से आपकी यात्रा होगी कि आपको एनर्जी वाला खेल खत्म हो गया। यहाँ तक एनर्जी काम करती है, एनर्जी वहीं तक काम करती है जहाँ तक अहंकार की तृप्ति हो ना होने लगे। अहंकार जब तृप्त हो जाता है तो एनर्जी का गेम बंद हो जाता है। फिर ये एनर्जी का उठा उतार चढ़ाओ कि तुम पहले शरीर में गए, ऊपरे शरीर में गए, पहले शरीर चौथे शरीर तक सब अहंकार की यात्रा चलती रहती है, पूरा अहंकार का खेल। लेकिन अहंकार छिछला हुआ तो वो एनर्जी पैदा करता रहता है, तृप्त होने की कोशिश करता रहता है, और पांचवें शरीर में उसे एक क्रिस्टलाइजेशन आ जाता है। पांचवें शरीर में अहंकार का क्रिस्टलाइज होना है, एकजुट होना है, वह अहंकार एकजुट होता है। तो साधक को क्या लगता है कि मैं पहुंच गया, क्योंकि अहंकार को ही पहुंचना है और अहंकार ही एक तृप्ति अनुभव कर रहा है। गजब की तृप्ति अहंकार को होती है पांचवी शरीर की शुरुआत से, और वही उसका बैरियर भी है। इसके आगे यात्रा नहीं हो पाती। बहुत साधक जन्मों लग जाते हैं, जन्मों यात्रा करते हैं, लेकिन यहाँ से आगे जा नहीं पाते हैं। यहाँ से आगे जाने में गुरु की बड़ी कृपा चाहिए, और दूसरी बात समझ चाहिए। समझ ऐसी है कि आप अब ऊर्जा का खेल बिल्कुल नहीं हो रहा आपके अंदर। ऊर्जा उठ रही है, गिर रही है, ये बातें सब बचकानी। अब कहने सुनने कुछ बचा नहीं है, सुबह मिटने के और कुछ है नहीं। तो किस अहंकार इतना तृप्त हो जाए, क्योंकि कोई भी चीज जब अपनी पूर्ण नियति पे आती है तो मिटना शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा जब कोई भी व्रत पूर्ण हो जाता है तो वो मिटने लगता है, वो खोने की तैयारी हो जाती है। क्योंकि इस जगत का नियम है कि या तो तुम बनने की प्रक्रिया में जाओ, और बनने की प्रक्रिया अगर पूरी हो गई तो फिर खोने की प्रक्रिया में चले जाओ। तो अगर आप बहुत जागृति से जिए, बहुत जागृति से जिए, तो अहंकार जहाँ तक बन सकता है, जिस भूमिका में पहुँच सकता उस भूमिका में पहुँच गया, और वहाँ अहंकार ऐसा अनुभव करता है जैसे उसे अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो तृप्त हो गया, हर चीज़ से बाहर हो गया हो अहंकार, लेकिन वो खुद बैठा हुआ है स्पेस में, खुद बैठा हुआ, वो खुद नहीं निकल रहा। तो अब ऐसी दशाएं होंगी लोगों की कि वो कभी कभी ऐसे हो जाएंगे जैसे बिल्कुल खाली हो गए, ऐसे हो जाएंगे जैसे शुरू ही नहीं हुई यात्रा, और कभी कभी ऐसी स्थिति में होंगे तो बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत मजेदार स्थिति है, ये सब खेल चलता रहेगा। यहाँ साधक को सचेत होने की बड़ी जरूरत है। तो देखो, मैं साधकों को थोड़ा सा रोकता हूँ कि वो समय के पहले लोगों से संबंध बनाते हैं। जैसे उनके अहंकार को तृप्ति हुई तो उन्हें क्या लगता है कि मेरी तो मंजिल आ गई, तो फिर वे क्या करते हैं कि उनसे पछता नहीं है, फिर लोगों से बात करने लगते हैं।
चूंकि इनका अहंकार बहुत क्रिस्टलाइज है और दूसरों का अहंकार छिछला है, तो दूसरों को इनकी बात सुनने में मजा आता है। दूसरे आकर्षित होते हैं क्योंकि ये क्रिस्टलाइज है इनका अहंकार। अब जो भूल होती है वो यहां होती है। अगर साधक ने ये गेम नहीं समझ पाया, और ये गेम 99% साधक नहीं समझ पाते हैं, 1-2% समझता, बाकी तो दुकानदारी चालू हो जाती है, वो लोगों से बातें करने लगते हैं, लोगों को अच्छा लगता है, लोग बैठते हैं, क्योंकि उनका अहंकार क्रिस्टलाइज है। और जितना जिसका अहंकार क्रिस्टलाइज होता है उतनी दूसरे लोग उसकी बात मानते हैं। आज देखो मोदी है, राजनीति में उसका अहंकार क्रिस्टलाइज है, तो 1000 आदमियों से जब वो लेक्चर देता है तो सारे लोग बात मानते हैं। कारण क्या है? उसका अहंकार क्रिस्टलाइज है। मतलब ये जो भी लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, पद पे बैठे वाले लोग होते हैं, जितना ज्यादा जिस आदमी का अहंकार क्रिस्टलाइज होगा उतनी दूसरे लोग उसकी बात मानेंगे, उन्हें अच्छी लगेगी उसकी बात, क्योंकि उसकी बात सुन के उनके अहंकार को भी कोई तृप्ति मिलती है। ऐसा होता है। तो भूल जो होती है वो यहाँ हो जाती है कि हम एक पड़ाव पे रुक जाते हैं, हमारी यात्रा इससे आगे। 99% लोगों की बात कर रहा हूँ, हजारों लोग साधना करते हैं, हजारों लोग, और ये चौथे शरीर और पांचवें शरीर के बीच की दीवार को नहीं तोड़ पाते। ये अहंकार की इतनी सघन दीवार है, इतनी सघन दीवार है कि इसको तोड़ना करीब करीब मृत्यु। अब अहंकार एक तो क्रिस्टलाइज हो गया, मजा आ रहा, अब अहंकार की मृत्यु होना तो आपको ऐसा लगेगा कि आत्महत्या करने जा रहे हैं। अहंकार कोई मिटना है, और अहंकार यहां तक लाया है। अहंकार ने क्या किया है कि आपको एक जुट बना दिया है, बिल्कुल एक अवस्था तक, जहां तक यात्रा हो सकती थी वहां तक पहुंचा दिया। अब इसके बाद अहंकार का ही खोना है। अहंकार खो सकता है, एक तो साधक को अकेला हो जाना चाहिए, एक भी आदमी से संपर्क ना करे, ऐसी अवस्था वाला आदमी, मतलब बातचीत तो करे ही नहीं। ऐसी अवस्था वाले का दूसरे को पता नहीं लगना चाहिए कि इसकी ऐसी अवस्था, नहीं दूसरे लोग पकड़ लेंगे उसे। ये गुप्त हो गया काम, बड़ा गुप्त काम। ऐसी अवस्था जिसकी बन गई उसे लोगों से हट जाना चाहिए। अगर नहीं हटेगा तो ये प्रकृति का खेल है, लोग तुम्हारी चापलूसी करेंगे, पकड़ लेंगे, पैर छूने लगेंगे, वो फंसा लेंगे और तुम्हें नरक में पहुंचा देंगे। क्योंकि यहाँ नरक में पहुंचाने का गजब का काम चल रहा है, गजब का खेल। प्रकृति छोड़ती नहीं है। अब देखिए इतनी अच्छी अवस्थाएं लोगों की बन गई, वहां भी फसान, वहां प्रकृति बहुत मीठे ढंग से फंसाती है, पूजा करवाएगी आपकी और आपको फंसा लेगी, और आपको ये ख्याल भी नहीं आएगा। अब जब पूजा होने लगती है तो ये लगता है हम तो पहुंच ही गए हैं, इतने लोग हमारी बात मान लेते हैं, इन्हें मजा आता। अब वो है सब अहंकार का खेल। अहंकार इतना क्रिस्टलाइज कर लिया आपने साधना से तो उसे कैश करा रहे हैं आप। जैसे किसी के पास बड़ा बैंक बैलेंस हो जाए तो बड़ा बैंक बैलेंस वाला वो कैश कराता रहता, ऐसी स्थिति हो जाती है साधक। तो यहाँ साधक गिरता है, उठता है। अब सारी जिंदगी उसका ऐसे ही चलेगा कि दिन में 2-4 बार वो नरक में जाएगा, बिल्कुल नरक जिएगा, और 2-4 बार स्वर्ग में भी जाएगा। अहंकार चूंकि इतना क्रिस्टलाइज हो गया कि गिर के भी नहीं रह पाएगा, उठ जाएगा, गिरता है फिर उठ जाएगा, फिर उसी जगह पे आ जाएगा। लेकिन अब इसके लिए उठने गिरने में सहारे ढूंढना पड़ेंगे, तो ये क्या करेगा कि लोगों से बातें शुरू करेगा, लोगों से मिलना शुरू करेगा, और लोगों से मिल मिल के वो अपनी अवस्था को बनाकर रखेगा। ऐसा कोई खेल चालू हो जाता है। और शुद्ध काम है जिस, ये संसार में मैं तो कहता हूँ कि अहंकार है ही नहीं। संसारी को तो मैं माफ करता हूँ, उसके पास कोई अहंकार नहीं। अब पैसे का अहंकार, काय का अहंकार है, पद का अहंकार, वो दो कोणी का अहंकार। इसलिए आपने एक चीज देखी होगी, साधु गजब के अहंकारी दिखते हैं, और इसमें कोई दोष नहीं है,
कोई गलत नहीं है कि साधु अहंकारी दिखते, क्योंकि साधुओं का अहंकार, आप देखो बैरागी साधुओं के लिए उनकी आंखों में अहंकार झलकता है, झलकना चाहिए, क्योंकि उनका अहंकार एकजुट हुआ है, क्रिस्टलाइज हुआ है, और इतना क्रिस्टलाइज हो जाता है अहंकार कि उनकी बात कोई टाल नहीं सकता। जिसका अहंकार जितना क्रिस्टलाइज होगा उसकी बात जो है सामने वाला टाल नहीं पाएगा, वो मान लेगा। अहंकार की बहुत बड़ी लीला है, और यही अहंकार मिट के आत्मा हो जाता है। मजा देखिए, यही अहंकार जब ये मिटेगा तुम्हारे भीतर, जब अहंकार विदा होता है, गल जाता है, तो आत्मा प्रकट होती है। और जब तक अहंकार का रस है, अहंकार बना है, तब तक आत्मा उसी में सोई पड़ी, अहंकार में ही सोई हुई आत्मा काम करती। अहंकार ऐसे मानिए कि सोई हुई आत्मा है, कोई दूसरी चीज नहीं है, सोई हुई आत्मा है अहंकार। इतनी ताकत इसलिए तो है उसमें, वो अहंकार नहीं है, सोई हुई आत्मा। और वो क्रिस्टलाइज होते 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 ऐसा हो जाता है, ऐसे आदमी के चारों तरफ एक वाइब्रेशन आने लगता है। जिसका अहंकार क्रिस्टलाइज होता है उसका आरा मंडल बदल जाता है, और वो आदमी किसी से बात करे, किसी के साथ रहे, तो आदमी जल्दी प्रभावित होता है। उसको समझ में आती है कि यार ये आदमी बहुत सही बात कर। संसार में भी अहंकार क्रिस्टलाइज होता है, लेकिन संसारी के अहंकार में फिर भी मांग रहती है, तो वो थोड़ा सा नपुंसक होता है, चाहे वो कितने ही बड़े पद पे बैठा हो। सन्यासी जो है वो परम अहंकारी होता है, आप ये पक्का मानना। जैसी जैसी साधना घनी होगी अहंकार बढ़ेगा, बढ़ेगा मतलब क्या होगा, अहंकार क्रिस्टलाइज होगा, उसमें सघनता आएगी। और सघनता का अपना एक सौंदर्य है, सघनता जो आएगी, क्योंकि अगर अहंकार सघन नहीं होता तो छलांग लगेगी ही नहीं, कोई उपाय नहीं है। सघन अहंकार ही गल सकता है। जब कोई चीज अपनी पूर्णता में पहुंच जाती है वो विदा होने लगती है। कोई भी चीज अपनी पूर्णता में जैसे ही पहुंचेगी उसका ग्राफ गिरने लगता है, वो नीचे गिर जाएगी, ये स्वाभाविक बात है। तो यहाँ इन मित्र ने जो पूछा है कि ऊर्जा बनती है, वो चौथे मंजिल पे आपको ऊर्जा बहुत समझ में आती है। फिर वो ऊर्जा चूंकि चौथे मंजिल पे छत डली हुई है और चौथे मंजिल के ऊपर जाने का कोई उपाय नहीं है, कुछ समझा नहीं है, और चौथे मंजिल पे इतना मजा आने लगता है, इतना मजा आने लगता है कि भूल ये हो जाती है कि हम पहुंच गए। तो जब आगे नहीं जा पाते तो नीचे गिरो। अगर धर्म की यात्रा में क्या है कि बुद्ध ने क्या बोला कि चरे बेती, यहाँ बंद नहीं है कुछ, यहाँ यात्रा की कोई मंजिल नहीं है। अगर साधक को ऐसा लगे कि मंजिल है तो वहीं से गिरना शुरू हो जाएगा। जहाँ से तुम्हें समझ में आ गया कि मंजिल आ गई, वहीं से आप धड़ाम से नीचे गिरोगे, क्योंकि ये तो गति चलती ही रहती है। तो जो जागरूक होकर जीते हैं वो ये अहंकार की पूरी लीला को समझ लेते हैं, और वो अहंकार गल जाता है। जब गल जाता है तो पांचवे शरीर से ऊपर की यात्रा शुरू हो जाती है। पांचवे शरीर के ऊपर जो है ना ब्रह्म काया है। पांचवे तक आदमी अहंकार में इतना क्रिस्टलाइज होकर, और उसे ऐसा अनुभव होगा जैसे वो खुद आत्मा है, क्योंकि सोई हुई आत्मा तो अहंकार है ही, तो ऐसा अनुभव भी होने लगेगा कि स्वयं परमात्मा हूँ, स्वयं आत्मा हूँ। इतना तक अनुभव अहंकार का ही अनुभव है, ये अहंकार की यात्रा। और फिर मैं कहूँ अहंकार को गाली की तरह मत समझना, अहंकार एक वरदान है परमात्मा का दिया हुआ आपको। अहंकार बुरी चीज नहीं है, अहंकार अगर नहीं होता तो ना संसार होता ना परमात्मा होता। और अहंकार से ही जो सारी लीलाएं घटती हैं पूरी की पूरी। बस इतना सा है कि हम जगत में अहंकार को इतना तोड़ लेते हैं, हजार टुकड़ों में कर लेते हैं, और हजार टुकड़ों में जब अहंकार होता है तो नपुंसक हो जाता है। साधना ही एक ऐसी चीज है जिसमें अहंकार सघन होता है।
इतना सघन होता है। अब तुम रोज रोज साधना कर रहे हो, रोज रोज तुम्हारा अहंकार सघन हो रहा, क्रिस्टलाइज हो रहा, तुम क्रिस्टलाइज होते चले जाते हो। तो चौथे शरीर पे अगर किसी को ऐसा लगे कि वो पहुंच गया तो धड़ाम से नीचे गिरेगा। जिनको साधना में ऊपर जा रहे हैं और नीचे गिर रहे हैं का अनुभव अगर आ रहा है तो उन्हें बहुत जागरूक होने की जरूरत है कि हम ऊपर होते हैं और फिर जरा सी परिस्थिति बदलती तो हम धड़ाम से नीचे होते हैं। तो आप पक्का मानो कि उनसे कोई भूल हो रही है, उनने ये मान कर रखा है कि हम अंतिम अवस्था में आ गए हैं और हम अब किसी के काम के हो गए। ये हम किसी के काम के हो गए ये बड़ी भारी भूल हो जाती है, उसी से ही नुकसान होता है, उसी से फिर आपका रास्ता ही बंद हो गया। अगर आपने नीचे इस तरह का रस लेना शुरू किया तो आपका ऊपर का रास्ता बंद, फिर इस जीवन में कुछ नहीं होने वाला। अगर चार शिष्य भी हो गए तुम्हारे चार, और चार लोग तुम्हारी तारीफ करने, तुम्हें मिटाने चाह रही बहुत तो चार तुम्हारा जन्म खराब कर सकते हो। तुम आश्चर्य करो, जन्म तुम एक जन्म लटक सकते हो, ये रस ऐसा है। चार शिष्य भी अगर इकट्ठे हो गए तो तुम्हें मार डालेंगे भाई, उन्हें तो पांव छूना है और कुछ नहीं करना, और तुम्हें जमीन पर ला देना, आ जाओ बेटा लौट। ऐसा खेल। तो मित्रों, किसी को भी इस सभा में जितने लोग बैठे हैं सबके लिए मैं इशारा कर रहा हूँ कि अगर आप साधना में गिर रहे हैं और उठ रहे हैं तो तुम्हें ज्यादा सचेत होने की जरूरत है बजाय साधारण आदमी। अब तुम्हारे हाथ में कुछ चीज है भी जिसके प्रति तुम्हें सजग होना है, तुम में कुछ पनप रहा है, कुछ बढ़ रहा है, तो उसके प्रति तुम्हें इतना जागृत रहना, इतना जागृत रहना कि भूल चूक से कभी ओवरसन ना हो जाए, क्योंकि तुम्हारे भीतर कुछ पल रहा है। जैसे गर्भवती स्त्री में पलता है तो वो संभाल कर चलती है, ये गर्भ की तरह आत्मा पल रही अहंकार में, खेल देखना। और जब ये पांचवें शरीर को क्रॉस कर जाए तो फिर बात बिल्कुल अलग हो जाती है। पांचवें शरीर को एक बार साधक पार कर गया तो फिर साधक बचा ही नहीं, फिर वहां से परमात्मा की यात्रा शुरू, फिर आत्मा परमात्मा की यात्रा करती, वो अहंकार विदा हो जाता, फिर तुम आत्मा, तुम तो गए, फिर आत्मा हो गई और आत्मा ही परमात्मा में लय होगी, तुम तो हो ही नहीं सकते, आत्मा ही मिटकर परमात्मा में लय हो जाती। तो यहाँ एक इतनी मोटी दीवाल है शून्य की दीवाल है, इतनी मोटी दीवाल है जिसमें पदार्थ नहीं है लेकिन दीवाल गजब की है। तो साधकों को लगता है बैठ के कि अब हम इसके आगे कहाँ जाएं, ऐसा लगता होगा साधकों को कि यहाँ तक हम आ गए, अब इसके आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ यात्रा हो सकती है। वो क्यों नहीं आ रहा समझ में, कि उनने अपनी यात्रा को कहीं ज्यादा मान लिया, जरूरत से ज्यादा मान लिया, अहंकार के घेरे में, आप अहंकार के ही घेरे में फंस गए, अहंकार की दीवाल ने आपको फंसा लिया, कैप्चर कर लिया पूरा का पूरा, और अहंकार ही आपको अपने होने का मजा दिला रहा। अपने होने का मजा भी अहंकार में ही आता है, अहंकार की आखिरी बात है ये। और यहां साधक को पूर्ण रूप से सजग रहना है, पूर्ण रूप से सजग। और जब तुम सजग रहोगे, सजग किसके प्रति रहोगे, सजग तुम्हें रहना है तुम्हारे होने के प्रति, तुम्हारी मैं के प्रति। अब जो तुम्हारी मैं है संसार की नहीं रही, अहंकार पूरा का पूरा क्रिस्टलाइज हो गया, तो बहुत साधारण मैं नहीं रही तुम्हारी, तुम्हारी मैं हो गई बहुत मजबूत। अब जब भी मैं का भाव पैदा हो तुम्हारे अंदर तो तुम्हें सजग रहना, तुम्हारी मैं के साथ तुम्हारा कोई एसोसिएशन नहीं होना चाहिए। मैं खड़ी है तो तुम बिल्कुल बाहर खड़े हो जाओ, मैं को बिल्कुल भी रस मत लो। और यहां मैं जितना रस देती है कुछ पूछो मत, सबसे ज्यादा मैं का रस यहीं आता है, क्योंकि मैं पूर्ण हो गई है। जन्मों जन्मों की यात्रा में, लाखों जन्मों की यात्रा में अहंकार यात्रा करते 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 क्रिस्टलाइज होके इस अवस्था पे आता है। तुझे रसपूर्ण बहुत है, ख्याल रखना, बहुत रसपूर्ण होती है ये अवस्था, जिसमें बैठा बैठा साधक बहुत मजा लेता रहता है।
यार हम तो बस बहुत मजा आ रहा हमको, अब वो अहंकार का रस आ रहा, मजा जो आ रहा है आपको पता लग रहा, क्योंकि मजा और आप अलग तो हो ही, मजा किसको आ रहा, तो जिसको आ रहा है मजा और तुम दो हो गए ना, और वहां तो दो है नहीं, परमात्मा के जगत में परमात्मा के अलावा दूसरा कोई होता नहीं है, और यहाँ परमात्मा भी हो तुम भी हो, तो तुम कह रहे हो वाह परमात्मा की कृपा हो रही है, बड़ा मजा आ रहा। ये खेल वो जन्मों जन्मों के अहंकार ने यात्रा की है उसका परिणाम है जी। यहाँ बुरा नहीं कह रहा हूँ, इसे बुरा मत मानना, किसी की निंदा स्तुति में मत जाना, ये बुरा नहीं है, ये भाग से बहुत यात्रा से फलता है, लेकिन यही सौभाग्य जो है हमारे लिए दुर्भाग्य भी होता है कि अगर यहाँ आपने, क्योंकि जन्मों जन्मों के बाद ये मौका मिला है, कोई आदमी चौथे शरीर तक बहुत जन्मों की यात्रा और बहुत आशीर्वादों से पहुँचता है चौथे शरीर तक, पांच, अब लोग कहते हैं हमारा तो छठवां जग रहा है, पहले शरीर का भी पता नहीं, जिनको कह रहे हैं वो आज्ञा चक्र जगा हुआ है हमारा कहीं, और रात में सपने में लड़की याद आती है, और आज्ञा चक्र जगा हुआ है हमारा, हृदय चक्र भी जगा हुआ है, और लाट टपक रही है, हृदय चक्र में इतनी तृप्ति नहीं है कि कोई भी फुसलाए, अब ये सब छिछले अहंकार, ये क्या है, जो एक बीमारी होती है ना सिजोफेनिया की, ऐसे लोग जिनको आज्ञा चक्र जग गया, हृदय चक्र जग गया, सहस्त्रार जग गया, ये सब विक्षिप्त लोग हैं, आपको बात बताऊं, ये लोग सिजोफेनिया के शिकार हो गए, क्योंकि इनने अपने चार शरीरों पर काम किया नहीं, और कोई ऊर्जा ऊपर ले गई, पांचवा शरीर जगा लिया या छठवा शरीर जगा, कोई जगता बगता नहीं है, साइकोलॉजिकल जग जाता। मैं आज इसलिए ये सारी बात उजागर कर रहा हूँ कि जिनको मूलाधार में रस है, भाव शरीर में रस है, और आज्ञा चक्र गनगना रहा है, और आज्ञा चक्र में ऊर्जा जा रही है, सहस्त्रार में, जे आगे नहीं कल नहीं परसों मेंटल हॉस्पिटल में जाने, मैं ईमानदारी की बात बता रहा हूँ। कारण क्या हो गया कि इनका व्यक्तित्व ही टूट गया, इनके सेंटर बहुत हो गए, अब एक आदमी के सात सेंटर हो सकते, एक आदमी के चार सेंटर हो सकते हैं, आदमी क्या है कि हर सेंटर पर काम कर रहा है, कि हम बिल्कुल हृदय चक्र में, अब वो एक विधि भी ओशो ने दी है कि इनने बीच में बना लिया, जो भी हुआ चक्रा ब्रीदिंग है, कोई चक्रा साउंड, वो सात ही चक्रों पर काम करवाते हैं, अब साइकोलॉजिकल कोई सात चक्र होते नहीं है, चक्र एक ही रहता है, एक चक्र दूसरे चक्र में समा जाता है, दूसरा तीसरे में समा जाता है, ये सात शरीर नहीं है, ये पहला शरीर दूसरे शरीर में समा जाता है, दूसरा तीसरे में समा जाता है, तीसरा चौथे में समा जाता है, चौथा पांचवें में समा जाता है, पांचवा छठवें में समा जाता है, और छठवा सातवें में समा जाता है, और सेंटर एक ही रहेगा, तो सेंटर लोगों के चार चार हैं, हृदय चक्र पर भी जी रहे हैं कहीं, हम आज्ञा चक्र पे भी जीते, वो मूलाधार पे भी जीते हैं, बिल्कुल हमारी नाभि गनगनाती है और सब कुछ गनगनाता है। अब ये लोग, मैं ईमानदारी की बात कहूं, ये लेक्चर तो मेरा कहीं भिजवा ही देना, तो बहुत लोगों का काम है, ये सब सिजोफ्रेनिया के शिकार, ये आगे नहीं पीछे, पक्का मानना मेंटल हॉस्पिटल की तैयारी। यहाँ भी कुछ लोगों ने ऐसे अंडसन प्रयोग कर लिए, सातवीं चक्र जगाना, पहले को छोड़ देना, तुमने चार चक्र, जिन लोगों ने चार चक्रों को ठीक से नहीं समझा जिया, और पांचवें में भी अगर पहुंच गए वो, तो ये समझ लो कि वो भी मेंटल हॉस्पिटल में जाने की स्थिति है, बहुत खतरनाक खेल है। तो चार चक्रों की यात्रा जागृति से जिनकी हो जाए, वही पांचवें चक्र के प्रति, मतलब वो क्या भाव करेगा, चार ही मिलकर पांचवें में जाएंगे, तो पांचवा मतलब चार का जोड़ हो जाएगा, तो चार तो गायब ही हो जाएंगे आपके, आपको चार शरीर दिखेंगे ही नहीं, आपको पांचवा ही शरीर दिखेगा अकेला, दिखना, क्योंकि सेंटर दो कैसे हो सकते हैं, सेंटर तो एक ही होगा ना, तो
बाबा कभी अनुभव भी रहित हो जाते हैं, कभी तो है? अनुभव रहित हो जाने स्थिति हो जाती है। क्या कर रहे हो? अनुभव रहित हो जाती है और पूरी एनर्जी वाला जो सोर्स होता है ना वो पूरा बाहर निकल जाता है, हम बाहर हो जाते हैं और पूरे शांत रहते हैं। ये अवस्था क्या है कि चौथे और पांचवे के बीच में ऐसे फेज आते हैं, ऐसे फेज आते हैं, क्योंकि चौथे और पांचवे के बीच में एनर्जी का गेम खत्म हो जाता है। तो तुम चौथे और पांचवे के गैप में जाती हो, पांचवे में नहीं जा पाती, गैप में जाती हो, तो वो खत्म होना चाहिए और बाबा सामने वो वाला। गैप से फिर तुम नीचे लौट आते हो, नीचे तो नहीं, बिल्कुल शून्य हो गए, तो गोल गोल घूमती है बाबा, गोल गोल घूमोगे, गोल गोल, क्योंकि ऊर्जा गोल गोल नहीं घूमना चाहिए। मुझे तो स्थिर ही, मैं तो स्थिर ही रहता हूँ बाबा। नहीं, तुम तो स्थिर रहते हो लेकिन ऊर्जा तो घूमती, ऊर्जा घूमती हो, ठहरती क्यों नहीं है? क्या कारण क्या है कि पहला छूटा कहाँ है? वो मूलाधार से, हाँ, वो पूरा छूटा नहीं है ना, पकड़े हुए। सवाल ये है कि कहाँ घूम रही है वो ऊर्जा। जैसे एक आदमी पहली मंजिल से चौथी मंजिल जा रहा हो, चौथी मंजिल से पहली मंजिल आ रहा, तो घूम रही। अब पहली मंजिल दूसरी में घुस जाए, दूसरी तीसरी में घुस जाए, तीसरी चौथी में घुस जाए, तो कहाँ घूमोगे? कोई नीचे के असली में साधना का ढंग ये है कि नीचे की सीढ़ियां टूटना चाहिए। अगर आपने पहले चक्र को ठीक से जिया है तो पहला चक्र आपका खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि आपने जी लिया, उसका उपयोग कर लिया और वो बाष्पीभूत होकर दूसरे में चला गया, और दूसरे चक्र को जब आपने जिया तो दूसरा बाष्पीभूत होकर तीसरे में चला गया, उतरोगे कहां? और तीसरा चौथे में चला गया और चौथा पांचवे में चला, अब गोल गोल घूमने बचा क्या? अगर गोल गोल घूम रहे हो तो हुआ क्या के? चार ही चक्रों को बचा कर रखा है तुमने। तुम यात्रा क्या कर रहे हो कि पहले चक्र से चौथे चक्र पे जाते हो और चौथे चक्र से पांचवे चक्र की उसमें जाते हो गैप में, और लौट कर फिर पहले चक्र पे आ जाते हो, तो तुम्हारी ऊर्जा गोल गोल घूम रही है। नहीं, ऊर्जा इस तरह से नहीं घूमती। अगर ऊर्जा ऐसी घूम रही है, संस्कारों के कारण घूमती है बाबा, हैं? संस्कारों के भी कारण होते हैं इसमें। अब ये छोड़ो, संस्कार नहीं, जागृति का अभाव। इससे हम क्या है कि साधना को और तरह से ना देखें। जो भी गड़बड़ है वो हमारी निष्ठा में कमी है, हमारी श्रद्धा में कमी है और हमारी साधना में कमी है। हमारी साधना में ही कमी है, इसलिए अगर साधना में कमी नहीं है तो फिर ये इस तरह से ग्राफ बढ़ते हैं कि अगर ढंग से पहले शरीर को जाग के देख लिया किसी ने, अभी क्या है कि पहले शरीर से चौथे तक की यात्रा तो होती है, तो प्रकृति दत्त भी होती है। चौथे शरीर से आदमी गिरेगा ही जब तक इनको समेट ना ले पूरा। ये पहला शरीर दूसरे में घुस जाए, दूसरा तीसरे में, तीसरा चौथे, और ये पांचवे शरीर में जब तुम में स्थिरता आएगी तो ये सब समटेंगे, ये सब समेट जाएंगे। तो पहला दूसरे में घुस जाएगा, दूसरा, और पांचवे शरीर, पांच ही होते हैं शरीर, सात तो होते ही नहीं है, पांच होते हैं शरीर, पांचवे शरीर में कायदे से चार ही होते हैं, चार शरीर, पांचवा शरीर तो कुछ अलग चीज होती है, वो इन चारों का जोड़ हो जाता है, और पांचवे शरीर में साधक टिकता है। साधक अगर टिकेगा, ठहराव बहुत आता है, ठहराव क्या, टिका हुआ ठहराव, हाँ ठहराव बहुत आएगा, और लेकिन क्या होगा कि पांचवे शरीर में साधक के अंदर करुणा, मैत्री, प्रेम, बहुत चीजों का जन्म होगा। तो नीचे क्यों जाएगा? करुणा में उतरेगा, वो पूरे पूरे ब्रह्मांड के प्रति प्रेम पूर्ण होगा, एक एक बच्चे बच्चे के प्रति, एक एक चींटी से लगा कर पहाड़ तक सबके प्रति, अब उसकी ऊर्जा एक अलग भाव में चली गई। वो ऐसे ही हो जाता है, ऐसे ही होता है। तो फिर तुम पहुंच गए, फिर क्यों पूछ रहे हो नीचे आ जाए? तुम ऐसा क्यों कहते हो कि वो गिर जाती है? वो तो मैंने कह दिया बाबा, वो पता नहीं चला मुझे ऐसा सवाल करने का। अच्छा, अब पता चला? आप बोले तब पता चला कि वो घूमती है, फिर मेरे में समा जाती है ऐसा नहीं। जो तुम में समा जाती है वही तो गलत है। सब में समा जाओ, सब में समा, वही वही तुम में मत समा, तुम हो ही कहाँ। हाँ, वो तो ऐसा ही होता है यार, जो हम कह रहे हैं वही होता है। नहीं नहीं, मैं तुम्हें भी, मुझे लगता है सिजोफ्रेनिया होगी। सिजोफ्रेनिया में एक बात होती है, मैं बताऊं तो कोई आदमी बोलता है वो लगता है ये बिल्कुल मेरी जैसी कह रहा है, एक सिजोफ्रेनिया की बीमारी है, आप आश्चर्य करो।
कि सामने वाला तुमसे गौर से कह दे कि तुम ऐसे हो तो तुम वही अनुभव करने लगोगे, सामने वाला तुमसे कह दे तुम गधे हो तो थोड़ी देर को गधे भी हो। बहुत जोर से कहना चाहिए, ये बीमारी का ढंग है। क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर सेंटर ना हो, सेंटर, जिस व्यक्ति ने अपना सेंटर ना पाया हो, वो दूसरे आदमी उसको जो कहेंगे वो बात, और ऐसे आदमी जैसे ओशो को सुनेंगे ना, ओशो की किताब, तो ओशो ने जो जो बोला है वो उन्हें लगेगा जी सब मेरी ही बात चल रही है, बिल्कुल मेरे ही बारे में कहा गया है जी, पूरा का पूरा ऐसा। और फिर ओशो ने कोई और ऐसी बात कही होगी तो डाउट भी होने लगा, नहीं यार वो कुछ गड़बड़ भी है। तो ये भी एक तरह की सिजोफ्रेनिया की बीमारी है। सिजोफ्रेनिया की बीमारी का मतलब जिस आदमी के पास अभी सेंटर नहीं है और सेंटर बगैर जी रहा है। और ज्यादातर लोग पूरी साधना करते हैं बिना सेंटर के जीते हैं। सेंटर क्या है कि पांचवें शरीर में आदमी को अपना सेंटर मिलता है। चार शरीर तक तो किसी के पास सेंटर है ही नहीं, चार शरीर तक तो गिल्ली डंडा खेलना जैसा होता है, कि गिर रहे हो, उठ रहे हो, गिर रहे हो। जब चारों शरीर आपके उठ के पांचवें शरीर में लय हो जाते हैं तब पहली बार आपके अंदर सेंटर का जन्म होता है, तब आप पूरे के पूरे क्रिस्टलाइज होते हैं अपने आप में। और वहाँ से आप अपने को 1% भी व्यक्ति की तरह अनुभव नहीं कर सकते, चाहे कभी चाहे सारा संसार आपको व्यक्ति बनाने की कोशिश कर रहा हो, सारा संसार, और सबसे ज़्यादा आपकी पत्नी करती है, पत्नी बिल्कुल व्यक्ति बना देती है। तो सारा संसार लगा हो आपको व्यक्ति बनाने में और आप को व्यक्ति बोध आ ही ना रहा, क्योंकि वहाँ व्यक्ति बोध बचता नहीं है, वहाँ समष्टि बोध बचता है। तुम समष्टि हो जाते हो, व्यक्ति नहीं होते, और फिर समष्टि में यात्राएं होती हैं। पांचवे के बाद फिर ब्रह्मांड का खेल है, ब्रह्मांड के बाद फिर और खेल है, ब्रह्मकाया है, ब्रह्मकाया के बाद फिर सुन्नता है। सुन्नता ठहराव तो जाता ही नहीं है, ठहराव ही रहता है। क्या ठहराव ही रहता है, जो स्पेस में ठहराव है ना उसके बाहर निकलना ही नहीं होता है, ठहराव में ही रहता है। नहीं ठहराव रहता है, ठहराव जो है जड़ता में भी रहता है, ठहराव जड़ता में भी हो जाता है। ये होता क्या है देखो हम बताएं, पांचवे शरीर में की तरफ जाते जाते आदमी, ये अहंकार की एक लीला है। ये अहंकार क्या होता है, जब क्रिस्टलाइज होने लगता है धर्म की यात्रा में, तो ये कैप्सूल में बंद हो जाता है, एक कैप्सूल में बंद हो जाता है। वो जैसे कहीं नहीं जा सकता, ना इधर जाएगा, ना इधर, ना ऊपर उठेगा, ना नीचे उठेगा, एक कैप्सूल में बंद होकर रह जाता अहंकार। और यही साधक को समझ में नहीं आता कि मैं ठहरा हुआ जरूर हूँ लेकिन गत्यात्मकता नहीं है। और ठहरा हुआ होना और गत्यात्मकता में बड़ा फर्क है। वो बाहर रहती है गत्यात्मकता, नहीं बाहर रहे, भीतर होना चाहिए। भीतर क्या है कि जब तक तुम इस पेड़ के साथ, जब तक तुम इस पेड़ के साथ इतने प्रेम से नहीं हो जाते, इतने प्रेम से कि तुम्हारा और इस पेड़ में कोई भेद न बचे, एक एक चीज हो जाना पड़ा। और सबसे ज्यादा तो तुम्हारी पत्नी के पांव छूने का दो चार बार दिल करे, ऐसा अगर हो जाता परीक्षा वहां लेना पड़ेगा। अगर उधर तुम्हारा ऐसा हो जाता है तो फिर हम मान लेते हैं कि कोई बात हो गई हो। अब देखो हमने जो बात कही वो तो इसलिए कही कि कहां कौन लटका उसकी समझ में आ जाए। तुम्हें क्या समझ में आ रही, यहां भी अहंकार बच सकता, यहां भी अहंकार इतना चतुर है और इतना क्रिस्टलाइज है कि वो यहां भी अपने को बचा लेगा। कारण क्या होता कि यहां आके इतना चतुर हो जाता है आदमी, इतना चतुर हो जाता है तो उसके पास हर बात का तोड़ है, हर बात में से बात निकल आती है, तर्क निकल आता। जब अहंकार क्रिस्टलाइज होता तो सबसे ज्यादा अपने को बचाता, चोट कहीं से होने नहीं देता, अपने को बचा लेता है। और अगर ऐसा है तो आप, अगर वाकई समझ में आ गई तो आप जानो, और नहीं आई है समझ में तो जरा सचेत हो जाओ। क्योंकि जिंदगी ऐसी चीज नहीं है कि कहीं रुक जाती हो, और धर्म तो बिल्कुल ऐसी चीज नहीं है। धर्म तो ऐसा है कि आज के आज नगद है, ना तो वहां ठहराव है ना बहाव है, वहां एक एक बहुत नवीनता है, ऐसी नवीनता है जो इस पल है और अगले पल नहीं है, इस पल है बस और अगले पल है नहीं, और इस पल के होने की ताजगी और प्रतिपल ताजगी है, प्रतिपल। और पुराना पूरा का पूरा बासा हो जाता है,
कल जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, कल की कोई बात ही नहीं हुई थी, क्योंकि परमात्मा इतना नगद है, इतना नगद है कि परमात्मा प्रतिपल पैदा होता है और प्रतिपल खोता है। जैसे तुम 70 साल लगते हैं तुम्हारे लिए कि तुम 70 साल में पैदा होते हो और मरते हो, परमात्मा तुम्हारे अंदर प्रतिपल पैदा होता है और प्रतिपल खोता है। अगर खोए नहीं तो होए कैसे, और होए नहीं होएगा तो खोएगा। होता है वो, इसलिए आज तक किसी को परमात्मा पकड़ में नहीं आएगा, लेकिन वो जब होता है तो इतनी पवित्रता लिए है, इतना आनंद लिए है होने का कि वो आनंद में होता है और खो जाता है, तो कोई अतीत नहीं बनता उसका। इसलिए परमात्मा का ना भविष्य ना अतीत है, परमात्मा कोई ऐसी चीज है ही नहीं कि ठहर के रह गई हो, कि हम ठहर गए हैं, बिल्कुल अपने में ठहरे हुए। अब ये भी अहंकार एक कैप्सूल में बंद है, तो वहां वो ऐसा लगेगा कि मैं तो यार बिल्कुल ठहरा हुआ, बिल्कुल वो बात अलग है, और ये बात जो मैं कह रहा हूँ ये बहुत अलग है। वो तो प्रतिपल होता है और प्रतिपल खोता है, ऐसा खेल। हम सबके अंदर परमात्मा प्रतिपल हो रहा है और प्रतिपल खो रहा है, और हम सिर्फ जागृत नहीं है, बिना परमात्मा के तो तुम हो ही नहीं सकते। मजा देखो, तुम में हर क्षण परमात्मा हो रहा है। जानने वाले को सिर्फ इसका पता लगता है और न जानने वाले को इसका पता नहीं है, इसके बावजूद भी परमात्मा ही जी रहा तुम्हारे भीतर, कोई उपाय नहीं है। वही प्रतिपल हो रहा है और इतना फास्ट खोता है कि तुम्हें कानो कान खबर भी नहीं लगती और खो जाता है। अब उसके होने में और खोने में तुम्हारे यहाँ थोड़ा सा गैप बड़ा होगा, तो वो होता है और खोता है, तो खोई हुई अवस्था तुम्हारे यहाँ लंबी चल जाती है बेहोशी के कारण, और कोई फर्क नहीं है। और जागी हुई अवस्था जो है ना तुम्हारे पास कम रहती है, तो जब तुम बिल्कुल अपनी अवस्था में हो गए तो बिल्कुल प्रतिपल हो रहा है और प्रतिपल खो रहा है, ऐसा आपको साफ। तो ऐसा नहीं है, परमात्मा तो तुम्हारे अंदर सबके अंदर खेल कर ही रहा है, क्योंकि बिना उसके तुम हो ही नहीं सकते, परमात्मा ही तुम्हारे अंदर हो रहा है। लेकिन अगर तुम जागे हो, तुम बहुत होश में हो, बिल्कुल मूर्छा नहीं है, तो उसके होने का मजा और उसके खोने का, धीरे धीरे करते 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 तुम तो गायब ही हो जाओगे, वही हो रहा और वही खो रहा है, वही दृश्य है वही अदृश्य है, वही सृष्टि है वही सृष्टा है, सारा खेल उसी का हो रहा। बस अंतराल इतना होता है कि वो पल में हो रहा है, ये पेड़ को 80 साल लगते होने में और खोने में, तुमको 70 साल लग रहे हैं, तुम भी परमात्मा हो, प्रकट हुए हो और खो रहे हो, लेकिन तुमने अपने को व्यक्ति की तरह मान लिया। ये मान्यता है तुम्हारी, ये अलग अलग मान्यता है, ये पेड़ की नहीं है मान्यता, किसी की मान्यता नहीं, आदमी की अकेली मान्यता है कि वो है, और वो जरूरी है। आदमी अगर इस तरह से नहीं मानेगा तो उसे पता भी नहीं लगेगा, वो खबर भी कैसे करेगा, इसलिए ये मान्यता भी होती है। और कोई प्रश्न रह गया कि ये बहुत सीरियस प्रश्न हो गया, बोलो बाबा जी। ये शुरू के 4 शरीर है हमारे, जो शुरू के ये 4 शरीर है जिनकी आपने अभी चर्चा की, थोड़ा इनके बारे में डिटेल से, भाव शरीर और इनके बारे और इनकी यात्रा कैसी होनी चाहिए, बताता हूँ। देखो, 4 शरीरों की यात्रा कैसे होती है, जो 4 शरीर है हमारे, पहला शरीर स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर में जागृति आएगी हठ योग से, प्राणायाम और योगा से, जबरदस्त हठ योग और प्राणायाम। अगर कोई व्यक्ति पहले शरीर का शोध करना चाहता है तो उसके लिए, इसलिए मैं सारा सूत्र खोल रहा हूँ कि हो सकता है लोगों को ये 4 शरीर की यात्रा ही का पता ना हो कि ये होती कैसे, और हर शरीर के अपने गुणधर्म। तो पहले शरीर को अगर जगाना है आपको, इसके भीतर जाना, जगाना मतलब इसके भीतर प्रवेश करना, तो हठ योग और प्राणायाम आपको पहले शरीर में प्रवेश करा देगा। फिर आएगा भाव शरीर, भाव शरीर के लिए संतों ने मंत्र साधना बताई है कि अगर आपके अंदर मंत्र सिद्ध हो गया
आपने मंत्र का जाप किया और मंत्र आपके अंदर, मंत्र के प्रति आपकी इतनी जागृति, इतनी जागृति कि मंत्र सिद्ध जिस दिन हो जाएगा उस दिन आपका भाव शरीर में प्रवेश होगा, समझना। तीसरा शरीर है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में आदमी भक्ति के बगैर प्रवेश नहीं कर सकता। तीसरे शरीर में भक्ति का पूरा आयाम जब आप जीते, भजन कीर्तन, परमात्मा की याद, परमात्मा में नाचना, परमात्मा कोई सांस सांस में भर लेना, जब भक्ति का पूरा पराकाष्ठा आपके अंदर आती है तो आपका तीसरा शरीर में प्रवेश होता है। चौथा शरीर है राजयोग। ऐसे चार योग हैं। हठयोग पहले शरीर का खेल है, हठयोग। दूसरा शरीर का है मंत्र योग, तीसरा शरीर का है भक्ति योग और चौथे शरीर का है राजयोग। यहां से अब लोग बाग पहले शरीर पर ही साधना करते हैं साक्षी होने की। कोई उपाय नहीं है, पहले शरीर पर कोई साक्षी नहीं हो सकता है। दूसरे शरीर पर आप साक्षी होने की कोशिश, साक्षी होने की कोशिश होगी चौथे शरीर में। राजयोग है साक्षी होने का ढंग। राजयोग में तुम साक्षी हो सकते हो। हम पहले शरीर से शुरू करते हैं और साक्षी होने की, पहले शरीर पर मेहनत करना पड़ेगी क्योंकि जैसा जी है बहुत अंडसंड है। तो इसको ठीक करने के लिए आपको हठयोग, हठयोग में प्राणायाम और योगा आते हैं। जबरदस्त योग और प्राणायाम की साधना जो करेगा उसके अंदर से सबसे पहले गिरेगा आलस और शरीर में छुपी हुई जितनी एनर्जी है आपकी ये सब की सब प्रकट हो जाएगी बाहर। तो आपका प्रवेश होगा दूसरे शरीर में। पहले शरीर की शुद्धि हुई कि आप दूसरे शरीर में पहुंच गए। दूसरा शरीर जागेगा आपका मंत्र योग से। प्रत्येक व्यक्ति को मंत्र योग की साधना से गुजरना पड़ता है दूसरे शरीर को क्रॉस करने के लिए। तो आप मंत्र का जाप कर रहे हो, ओम का करो, राम का करो, ओशो का करो, आप अपना नाम दो, जो भी करना हो, लेकिन इतने तन्मयता से और इतनी जागृति से बोधपूर्वक ढंग से आपको मंत्र जपना, मंत्र ही हो जाओ आप, इतना मंत्र जप का जाप करो। इसलिए मंत्र साधना का बड़ा मूल था, आज भी है। और आज भी जिन लोगों को सच में यात्रा करनी है, मैं आज इसलिए ये सारे सूत्र कह रहा हूँ, तो अगर भ्रमणा हो गई है साधना की तो साधना पलट लो, पहले हठ योग में आ जाओ, हठ योग को पूरा करो फिर मंत्र योग में आओ, मंत्र योग को पूरा करो फिर भक्ति योग में आओ। ये क्रम से जगते हैं, ऐसे नहीं जगती, एक एक मंजिल साफ होती है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और फिर है राजयोग। राजयोग में चौथा शरीर जागेगा और चार ही योग होते हैं, पांचवे के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता। पांचवा शरीर जो है ना परमात्मा का शरीर हो जाता, वो आत्मिक शरीर है, वो आत्मा का शरीर है। तुम चार शरीर की यात्रा पार करके जी अहंकार जब यात्रा पार, तभी अहंकार क्रिस्टलाइज होता है। ऐसा नहीं होता क्रिस्टलाइज गिल्ली डंडा खेलने से। ये जो हमारा डायनेमिक मेडिटेशन है ये हठयोग में आता है, ये हठयोग प्राणायाम दोनों को करवाता है। तो अगर आदमी ने 4-6-8 महीना जबरदस्त तरीके से डायनेमिक किया, या कुंडली भी उसी में आता, ये जितने प्रयोग उसने बताए हैं ये सब हठयोग के प्रयोग। कुंडली भी उसी में आता है, नादभ्रम भी उसी में आता है और डायनेमिक भी उसी में आता है। अब ये तीन ध्यान व्यक्ति ने अगर साल दो साल कर लिए तो पहली बार वो इस शरीर के भीतर प्रवेश होगा उसका। वो बाहर अनुभव नहीं करेगा, वो अपने को अनुभव करेगा मैं भीतर हूँ हठयोग से, क्योंकि हठयोग की साधना ही आपको दूसरे शरीर में ले जा सकती है। फिर कोई साधक को करना है मंत्र का प्रयोग। वो मंत्र का प्रयोग करते 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 आपकी वाणी पर कंट्रोल आ जाएगा, आप अपनी वाणी के रहस्य को समझ जाएंगे। मंत्र योग जब आप में फलेगा तो दूसरे शरीर में आपका प्रवेश हो जाएगा। फिर दूसरा शरीर जैसे ही तुम्हारा स्वस्थ होता है तो तीसरे शरीर में प्रवेश हो जाए, क्योंकि ये सब सिमटते चले जाते हैं, ये इस तरह से सिमटते हैं। तीसरे शरीर में भक्ति योग है, आप मीरा हो जाओगे और आएगा ही वो फेज, क्योंकि अगर भक्ति को किसी ने नहीं जिया, भक्ति में से कोई नहीं निकला है तो वो साक्षी की साधना कर ही नहीं सकता। साक्षी की साधना आएगी ही जब,
जब भक्ति योग पूरा हो गया होगा, भक्ति योग से आप परमात्मा के बंदे हो जाते हैं, ऐसे समझो। परमात्मा आपको स्वीकार कर लेता जब आप भक्ति योग में होते हैं। फिर चौथा है राजयोग। राजयोग में साक्षी की साधना है कि प्रतिपल आपको साक्षी रहना हर घटना का, सुबह साक्षी के वहां कुछ नहीं। अब साक्षी घटता ही नहीं है लोगों के, क्योंकि तीनों तल खराब है। साक्षी सीधा घटा रहा है, कहां से घटेगा? तुम विचार के साक्षी होना चाहे हो ही नहीं सकते, भाव के होना चाहे तो किसी भी चीज के साक्षी नहीं हो पाते, और तुरंत मूर्छा पकड़ जाती है। क्यों पकड़ जाती है? कि तुम्हारे जो तीनों चक्र अगर सही नहीं है, तीनों तल तुम्हारे अगर जागे हुए नहीं है, तो चौथे तल की यात्रा कैसे कर लो? अगर तुम कर भी लोगे साक्षी तो वही सिजोफ्रेनिया हो जाएगा, तुम बीमार हो जाओ। चौथे शरीर की या पांचवें शरीर की सीधी साधना करेगा विक्षिप्त होगा, छठवें की करेगा विक्षिप्त होगा। आदमी को साधना करना पड़ेगी पहले शरीर से, जहां वो खड़ा है। और पहले शरीर में देख लो कि आपने हठयोग किया क्या, हठयोग की साधना आपने फल गई, तो फिर मंत्र योग आपको अपने आप आएगा, फिर मंत्र सूझेगा आपको, फिर मंत्र योग की साधना होगी। फिर तीसरे शरीर में आप में भक्ति इतनी जोर से पैदा होगी कि कुछ करना नहीं पड़ेगा, हठयोग से शुरू करो। इसलिए मैं कहता हूं कि पहले पहले शरीर में प्रवेश करना कठिन है, लोग पहले में ही प्रवेश नहीं कर पाते, बाहर खड़े रहते हैं। अब तुम पहले शरीर में भक्ति का खेल कर रहे हो, तो क्या खाक फलेगी भक्ति? तुम तीसरे शरीर का काम पहले शरीर से ले रहे हो, बड़े जल्दी कीर्तन करने लगते हो, हाथ में ले ले तो झुंझुना। अब पहले शरीर में खड़े हो तुम और तीसरे शरीर का प्रयोग कर रहे हो, कुछ लोग चौथे शरीर का प्रयोग कर रहे हैं, साक्षी की साधना कर रहे हैं, सिवा सिजोफ्रेनिया के कुछ हाथ नहीं लगे, विकृति आएगी। और लोग तो छठे में भी चले जाते हैं, और पहले शरीर का पता ही नहीं है, और छठे में की साधना चल रही, एकदम घनघन आ रही उनकी, तीसरी जग ही गई हमारी। और औरतों की तो है नहीं, उनकी भी जग जाती, साइकोलॉजिकल किसी की भी जग सकती, सारा खेल है सारा। तो साधना ये है, अगर करना हो तो सवेरे शुरू कर दो। और सभी मित्रों को इशारा कर रहा हूँ मैं कि अगर आपको साधना फली नहीं है तो भूल हुई है, और भूल ये हुई है कि शुरुआत ही ठीक से नहीं हुई। और शुरुआत के लिए सबसे पहले आपको करना है हठ योग। हठ योग में जो आता है क्या आता है? नाद का अनुभव कौन से शरीर में होता है? वो चौथे शरीर में होता है। नाद का जो अनुभव है वो चौथे शरीर का अनुभव है। लेकिन बेटा क्या होता है कि हम नाद का डायरेक्ट अनुभव भी कर सकते हैं। चौथे शरीर पे अगर हमने यात्रा कर ध्यान दिया तो आपको नाद डायरेक्ट भी समझ में, और वो तीन ही शरीर आपके कचरे में पड़े हैं तो वो नाद फलेगा ही नहीं, वो बेचैनी करेगा, वो नाद में कोई प्रसाद, वो नाद प्रकाशित नहीं होने वाला। बहुत लोगों को नाद पहले दिन ही घट जाता है, उन्हें क्या लगता है हमें तो गुनगुना रहा है। इसलिए मैं आज सारे सूत्र कह रहा हूँ कि धर्म में जो मैं 4 महीने के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो मैं आपको ढंग से बताने के लिए आया हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता हो कि साधना करनी है तो सब अपना अपनी गरेबान पकड़ लो, और किसको किस शरीर से शुरू करना है वहाँ से शुरू करो। तो सूत्र मैं बता रहा हूँ, रास्ते ये हैं, और अगर इस तरह से कोई चले और ना पहुँचे उसकी गारंटी मैं लेता हूँ। कोई अगर क्रम से चलता है और साधन न फले, ऐसा होता ही नहीं। अगर आपका हठयोग पूरा हो गया है तो मंत्र योग में आएंगे ही आप, क्योंकि हठयोग आपको मंत्र योग में फेंकेगा, मंत्र जागेगा आपके भीतर। तो पता कैसे चलेगा स्टेज आ गई तो अपने आप चलेगा, क्योंकि मंत्र योग जाग जाएगा आपके भीतर। और मंत्र योग जब जागेगा तो क्या भक्ति घटेगी, ऐसी भक्ति घटेगी आपको कि कंकड़ कंकड़ का पूजने का दिल करेगा आपको, एक एक चीज के पैर छूने का दिल करेगा, एक एक आदमी के पैर छूने, भक्ति घट गई आपको। और भक्ति में से निकल के राजयोग आता है, साक्षी की साधना आती है। क्योंकि भक्ति अगर सीधे जाओगे तो अहंकार ऐसा हो जाएगा, और जब भक्ति में से जाएगा कृष्णलाई, फिर अहंकार, जो मैं शुद्ध अहंकार की बात कर रहा हूँ, वो यहाँ से निकल के जाकर होता है। वो अहंकार जो तृप्ति देता है, जो अहंकार महातृप्ति देता है, वो बिल्कुल आत्मा का स्वभाव हो जाता है। और फिर वो गल के साक्षी में
होश की साधना वहां से, होश की साधना चौथे शरीर में होती है, होश की साधना पहले दूसरे शरीर में है ही नहीं। यहां से होश शुरू करते हैं लोग कि हम तो साहब होश साध रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं होश से, कोई हाथ मार तुमने क्या है में सब लिख दिया है। अब इतनी डिटेल में तो उनने बताने, उनने बोला सबके लिए, हमें जिनको जैसा समझ में आया वैसा पकड़ के बैठ गए, तो हमारी जो साधना ही नहीं है वो साधना करने लगे हम। नहीं देर क्यों हो रही है, तुम 20-20 साल से हो सोके सन्यासी या 10-10 साल से हो, तुम्हें सबको देर क्यों लग रही है, तुम वो अवस्था में क्यों नहीं जा रहे जहाँ आनंद घटता है, तो कहीं ना कहीं तो भूल हो रही है। तुम नरक में फिर चले जाते हो, फिर स्वर्ग की बात करे फिर नरक में चले, तो कहाँ भूल चूक हो रही। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लोगों को अपने अपने गरेवान में देख लेना चाहिए कि पहले शरीर में यात्रा करनी है या दूसरे में करनी है या तीसरे में करना। कभी कभार ऐसा होता है जी, और मैं कहूँ इसमें कन्फ्यूजन हो सकते हैं लोगों को, लेकिन मैं बताऊँगा तो सही, कभी कभार ऐसा होता है कि आप दो शरीरों की यात्रा करके आए हैं पिछले जन्म, क्योंकि इस यात्रा में पूरे जन्मों का हिसाब भी सब जुड़ जाते हैं। तो अगर आपने हठयोग की साधना की है तो हठयोग आपको ज़्यादा दिन नहीं करना पड़ेगा, मंत्र योग में पहुँच जाओगे आप जल्दी, थोड़े दिनों में आपको मंत्र योग आ जाएगा, लेकिन हठयोग से गुजरना जरूर पड़ेगा। और हठयोग आपको जैसे 2 साल की बात थी वो 3 महीना में समझ में आ जाएगा, और आपको हठयोग फेंक देगा मंत्र योग। अगर मंत्र योग की भी साधना आप करके आए तो मंत्र योग भी आपको 3 महीना में भक्ति के खेल में पहुंचा देगा। तो आदमी पे निर्भर भी करता है कि कौन सा व्यक्ति, इसलिए क्या होता है कि सार्वजनिक रूप से जब चर्चा होती है तब ये पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। कभी कभार व्यक्तिगत रूप से चर्चा होती है तो आदमी का पता लगता है कि इसने पूर्व जन्म में क्या क्या यात्रा की है, तो उसे थोड़ा सा गाइड अलग ढंग से किया जाता है। तो ऐसा खेल है, तो ये आपको चारों आयाम से गुजरना चाहिए, क्योंकि आदमी में अगर आलस है तो उसे हठयोग जरूर करना चाहिए। अगर उसके चित्त में आलस है तो हठयोग ही होना चाहिए उसे, क्योंकि हठयोग आदमी के शरीर से आलस को बिल्कुल बाहर फेंक देगा। और आलस का और धर्म का कुछ लेना देना नहीं है। अगर आलसी आदमी धर्म की यात्रा कर नहीं सकता तो आलस तोड़ने के लिए हठयोग, हठयोग से गुजरो आप। फिर मन में चंचलता है, मन बहुत विकृति लिए है, मन की विकृति दूर होती है मंत्र योग से, क्योंकि मन की सारी ऊर्जा मंत्र पी जाएगा। जो मन, जो आपके विचार और ये सब उपद्रव चलते रहते, मन उधम उधम मचाता रहता है, ये सारा बंद हो जाएगा, सब रामलीला बंद हो जाएगी, वो सारे विचार आपके इकट्ठे होकर मंत्र में घुस जाएंगे और आपका वाणी पे पूरा का पूरा संतुलन आ जाएगा। मंत्र योग जिसका घट गया उसे भक्ति योग में प्रकृति फेंक देती है, ये सब प्रकृति से ही चलेगा आप, क्योंकि चार तल तक प्रकृति ही काम करती है। कभी कभार एक्सीडेंटल भी लोग बाघ चौथे शरीर में पहुंच जाते हैं, ऐसा भी घटता है कि एक्सीडेंटल पहुंच जाते। कभी कभी 4 दिन ध्यान करके भी आदमी चौथे शरीर में जा सकता है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि उसने अगर पीछे के सब शरीरों पर यात्रा की है तो वो चौथे शरीर पर पहुंच जाएगा। चौथे शरीर तक ही पूर्व जन्म की यात्रा जाती है, 5वें शरीर पर पूर्व जन्म का कोई खेल नहीं होता। 5वें शरीर की यात्रा जो है अब तुम्हारा इसी जन्म में होने वाला है। इस जन्म में अगर आपके 4 चक्र बिल्कुल शुद्ध हैं, आपने चारों शुद्ध कर लिए हैं, राजयोग पूरा फल गया है, तो आप इस जन्म में, और अगर आपका मृत्यु हो जाए 4वें शरीर तक, तो फिर दोबारा से आपको 5वें की साधना तो उसी जन्म में करना पड़ेगा, क्योंकि 4 शरीरों की यात्रा कंटिन्यू होती है, वो जुड़ती है। 5वें शरीर की यात्रा तो जिसकी होगी वो उस जन्म में आखिरी हो जाएगा उसका, 5वें शरीर में जो पहुंचेगा उसका जन्म होगा नहीं, और वो अगर यात्रा होना भी होगी तो एजोटेरिक ढंग से होगी, वो शरीर लेने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ लोग 5वें से 6वें की यात्रा एजोटेरिक करते हैं, वो देवता हो जाते हैं, देवयोनि में रहते हैं और बहुत लोगों को सहयोग करते हैं उनकी यात्रा, फिर करुणा उनमें बहुत होती है, तो दूसरों को सहयोग करते करते उनकी यात्रा होती है। हम सबके लिए भी किसी न किसी देवलोक से वो मिलता रहता है,
सहयोग मिलता रहता, नहीं हम अकेले नहीं कर सकते। जब तुम पांचवें शरीर की तरफ जाओगे तो चौथे शरीर तक क्या प्रकृति बाधा डालेगी और उपद्रव करेगी। पांचवें शरीर के बाद प्रकृति की सब बाधाएं हट जाएंगी, क्योंकि तुम्हें कोई जो टेर उसने पकड़ लिया, तुम कोई और देवलोक की देवलोक का सहारा तुम्हें मिलने लगा, तो कोई बाधा नहीं तुम्हें, तुम डरोगे नहीं, यहाँ कुछ नहीं, जो भी हो जाए वो सब उठ जाओगे, कहीं भी गरो उठ जाओगे। ऐसी स्थिति वो पांचवें शरीर में होती है। तो चार शरीर जो आपने पूछे, चार शरीर, पहला शरीर स्थूल शरीर, दूसरा शरीर भाव शरीर, तीसरा शरीर सूक्ष्म शरीर और चौथा शरीर मनस शरीर। ये चार शरीर हैं, इनको इस तरह से मत दो एक दो तीन चार कहो, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल और चौथी मंजिल। पहली मंजिल पे आपको हट योग जबरदस्त, तो फिर तुम्हें मंत्र योग में तुम्हारा प्रवेश होगा। दूसरी में मंत्र योग, मंत्र योग जब सद जाएगा, सद जाएगा तो अपने आप तुम्हें पता लगेगा तुम भक्ति योग में चले, और भक्ति योग सदेगा तो तुम्हें पता लग जाएगा तुम राजयोग में चले गए, और राजयोग में अपने आप साक्षी जगने लगेगा, तुम हर घटना के साक्षी की तरह देखने लगोगे, साक्षी हो जाए तो फिर तुम बीमार नहीं होगे। ऐसे चलेगा आदमी, बहुत सिजोफ्रेनिया का शिकार, उसकी छठवीं इंद्री नहीं जग सकती है, उसकी जब जगना होगी जब ही जगेगी, जब छठवीं, समय के पहले नहीं जगे, नहीं समय के पहले लोगों के सहस्त्रार जग गए, मूलाधार और सहस्त्रार संग जगे रहे। तो बाबा जो आपने बताया कि चौथे से कभी एक पे आ जाते हैं, कभी दो पे चले जाते हैं, कभी तीन पे चले जाते हैं, उसमें आपने बोला कि जागरूकता रखनी है, तो कैसे पता चलेगा हम डामाडोल ये हो रहे हैं, क्या हो रहा है? देखो, ये तो गुणधर्म है। पहले शरीर में तुम आ गए तो आलस, दूसरे में अगर तुम हो तो मन की विकृति है, मन का शरीर है दूसरा। अच्छा। मन की विकृति बहुत रहती है उसमें, भाव की बहुत विकृति रहती है, वो भाव शरीर है, भाव बहुत विकृत रहता है, तो मंत्र जो है भाव की विकृति को शुद्ध करेगा, मंत्र ही भाव की विकृति को ठीक कर सकता है। ये भाव नहीं उठेंगे उसमें, भाव की विकृति तुम समझते ही हो, भाव कैसे अंडसंड आती है। अच्छा, किसी को मारने का भाव, किसी को लूटने का भाव, किसी को बुरी नजर से देखने का भाव, जो तुम देखते ही रहते हो, विकृति है। और विकृति क्या होती है? भाव मतलब किसी को देने का भाव नहीं, लेने का भाव। ठीक है, तो भाव की विकृति है, अगर बनी हुई है तो आपका भाव शरीर शुद्ध नहीं हुआ है। अब ये बार बार गिर गिर के नीचे आओगे, फिर तुम्हारा फिर उठोगे तुम, फिर तुम पहले शरीर की साधना और गहरी करोगे, फिर दूसरे में चढ़ोगे, ऐसा चढ़ोगे फिर उतरोगे, चढ़ोगे फिर उतरोगे, जब धीरे धीरे करके क्रिस्टलाइज होगे, पहले से बिल्कुल मुक्त हो जाओगे तो पहले में कभी नहीं आना पड़ेगा, दूसरे से मुक्त हो जाओगे तो मंत्र साधना की बिल्कुल जरूरत नहीं, तीसरे से मुक्त हो जाओगे तो भक्ति खत्म हो गई तुम्हारी, तुम्हारे लिए कोई भक्ति भाव की जरूरत नहीं, पूरा भक्ति खत्म हो, चौथे में साक्षी का जन्म हो जाएगा और पांचवें में तुम्हारे अंदर आत्मा पैदा होगी, और इसके बाद कोई बातचीत की नहीं जा सकती, क्योंकि बहुत एजोटेरिक बातें हैं आगे की। बाबा दूसरे शरीर में जो आपने कहा ना भाव शरीर में, आपने कहा ना भाव शरीर में मंत्र का उपयोग करो, कौन से मंत्र का बाबा? जैसे तुम्हारा नाम लो नहीं, जैसे ओम जो अच्छा लगे वो मंत्र जपो, ओम या कोई, ओम का मंत्र सबसे अच्छा होता है, ओम का मंत्र सबसे अच्छा मंत्र है ओम का, क्योंकि ओम जो है एक पूर्ण शब्द है, उसमें कॉर्नर नहीं है, वो गोलाई है, वो कहीं चुभता नहीं है, और चीजें चुभती है। राम भी ठीक है, राम शब्द भी, राम से दशरथ के बेटे से लेना देना नहीं है, लेकिन राम भी ठीक है, लेकिन ओम का जो जाप है वो बहुत बढ़िया है। तो पहली शर्त तो ये है कि पहला चक्र अब पहले चक्र में क्या होगा, देखो पहले चक्र में जैसे जैसे आदमी शुद्ध होगा, भोजन कम होगा और नींद कम होगी और आलस कम होगा, ये परिणाम आएंगे। तो भोजन आप न्यूनतम भोजन पे आ जाएंगे, भोजन भट्ट नहीं रहेंगे, भोजन भट्ट अगर आप हैं तो आप पहले से भी नीचे हैं,
वो पहले से नीचे मालूम क्या जानवर का शरीर, वो पहले से भी नीचे, पहले से नीचे तो हम जानवर ही हैं, पहले में मनुष्य जैसा। तो अगर पहला शुद्ध हुआ तो मनुष्य का शरीर अगर तुम में आया, पशुता छूट गई, तो पहला काम क्या होगा कि भोजन आपका बहुत कम हो जाएगा, भोजन बट भोजन के सपने बंद हो जाएंगे और आलस बिल्कुल टूट जाएगा, बिल्कुल आलस टूट जाएगा। आपके शरीर में आलस नाम की कोई चीज नहीं बचेगी, क्योंकि तुम इतनी एनर्जी अपनी जगा लो भीतर की सोई हुई। हठयोग जो है ये जो पूरा का पूरा ये एनर्जी का पिटारा लिए घूम रहे हो तुम, और ये सब सो गई है, जो सख्त हो गई है, ये शरीर ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो ये हठयोग से पूरी की पूरी जागेगी एनर्जी, तो तुम ऐसे नहीं लगोगे जैसे तुम लग रहे हो कि घसीट के चल रहे हो, तुम ऐसे चल रहे हो जैसे जमीन तुम्हें घिसटा रही हो, उड़ के नहीं चल रहे। तो जैसे ही हठयोग फलेगा तो तुम जमीन की ग्रेविटी के बाहर आ जाओगे, क्योंकि सघनता तुम्हारे भीतर की खत्म हो जाएगी और तरलता आ जाएगी। तरलता में घटेगा मंत्र योग, अभी नहीं घटेगा मंत्र, इतनी आलस में मंत्र क्या, सो जाओगे मंत्र में, वो बाधे का मंत्र तुम्हें। 15-20 मिनट मंत्र की साधना करोगे और नींद आने लगेगी, तो मंत्र घटेगा ही उनको जिनका हठयोग में पूरा जाग गया हो। बाबा जो मुझे करना क्या है कि ठहराव में रहे और जागृति में रहे। तुम्हें क्या करना तुम समझो, हमने तो बहुत बातें बताई। ना ना ऐसा नहीं कह रहा हूँ, अभी मेरी यात्रा जो हुए उसके लिए मुझे अभी तैयारी क्या करनी है सर, हठयोग आगे पहले तो तुम चुप हो जाओ, एक आदमी से बोलते मत दिखना, तो आधी यात्रा तो उससे हो जाएगी। एक भी आदमी के साथ तुम्हारी बातचीत नहीं होना चाहिए। और तुम इतने टेलीग्राफिक, मतलब तुम्हारी साधना में अभी मौन बहुत जरूरी है, मौन ही हो जाओ। तो बाबा मैं जाऊँ और चुप हो जाओ 3 महीने के लिए, पत्नी से थोड़ी बहुत बात कर लिया उधर मौन नहीं चलेगा और उधर कुछ बिगड़ता नहीं है, तुम्हारे बोलने से वहाँ अहंकार नहीं पनपे क्योंकि वो तुम्हारी सुनती कब वही तुम्हें परमिशन न बोलना और कहीं मत बोलना, शिष्य मत ढूंढना, बीमारी लग गई है तुम। नहीं वो तो मैं बाबा हो रहा है ऐसा मुझे पता भी नहीं, वो मालूम है हमें, वो अहंकार जब तृप्त होता है तो ऐसे ही कहता है हो रहा। तो बाबा मैं अहंकार की बहुत बड़ी लीला है, बहुत बड़ी लीला, जरा मार समझ में आ रहा है बाबा, पक्का हो गया। तो मेरी बात समझ में आई थोड़ी सी आपको? बाबा इसे पूछना, नाद ब्रह्म पहले शरीर का ही है, नाद ब्रह्म ध्यान, नाद ब्रह्म पहले शरीर का ही ध्यान है वो पूछ रही है। पहले शरीर और कौन कौन से बाबा, पहले शरीर के और कौन कौन से? जितने कुंडली है, नटराज है, अच्छा सारा सारे सब ठीक है। और बाबा जिसको जैसे अपने होने में ही तुम ज्यादातर जीने लगे हो वो आ गया तो भी तुम्हें ये सारों से तो गुजरना ही पड़ेगा है ना, जैसे तुम अपने होने में ही ज्यादा से ज्यादा जीने लगे आपको पता ही पूरा, तो भी तुम्हें इस चार शरीर की इस प्रक्रिया से तो गुजरना ही पड़ेगा। देखो हम तो वो परिणाम बता रहे हैं, ठीक है बाबा, अगर आपको आलस आ रहा है तो पहला शरीर समझना बात, और भोजन के प्रति लाट टपक रही है समझ लो आप, भोजन और नींद, आपको नींद ज्यादा है, भोजन ज्यादा है और आलस ज्यादा है, तो पहला शरीर शुद्ध नहीं हुआ, उसके परिणाम आपके भाव में विकृति है। अंडसंड भाव आते ना लोगों को, अंडसंड भाव, तो आप पक्का मानना कि आपके भाव शरीर में दूसरे शरीर में विकृति है, इसलिए अंडसंड भाव आ रहे, तो मंत्र साधना करो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, कुछ भी, ओम ओशो नमाय, जो भी करना हो वो करो, और बड़ी उससे तन्मयता से, बहुत तन्मयता, कितनी देर, मतलब पूरी ऊर्जा आपकी भाव की मंत्र में लग जाना चाहिए। तो मंत्र साधना से आपके अंदर का भाव शरीर स्वस्थ हो जाएगा, और भाव शरीर स्वस्थ जिनका होता उनमें भक्ति जगती, शुद्ध भाव का परिणाम है भक्ति, विकृत भाव में भक्ति कहां से घटे। फिर तुझे कहोगे कि हम तुझे दे रहे, तू हमें दे दे, तू हमारी सुन ले, हम तेरे हैं, माता ने बुलाया, पता नहीं क्या क्या गाते रहे ऐसा कुछ, मतलब मांग रहती हो। भाव शुद्ध होगा तो भक्ति घटेगी,
और भक्ति शुद्ध होगी तो साक्षी घटेगा, और साक्षी में विचार शुद्ध होते हैं। वो मनस शरीर जो मन का पूरा तंत्र है वो पूरा का पूरा साक्षी से सही होता। मन से पार तुम साक्षी से होगे, वो चौथा शरीर है मनस शरीर तुम्हारा। और पांचवे में यात्रा हो गई तो उसके बाद फिर कोई यात्रा नहीं है, फिर तुम होते ही नहीं हो। पांचवे चार शरीर ही हो तुम, पांचवे शरीर में जाकर तुम खत्म हो जाते हो, अहंकार बिल्कुल विदा हो जाता। चौथे और पांचवे के बीच में अहंकार जितना सघन होकर बैठ जाता है साधक का, चार शरीर से निकल के भी साधक पांचवे और चौथे के बीच में परम अहंकारी होता है। और जहां 99% लोग 100-100 बार लौट के आते हैं, 100-100 जन्म, उससे आगे जा नहीं पाए। सबसे कठिन है उससे आगे जाना। स्त्री पुरुष दोनों में ये खेल बाबा है? स्त्री पुरुष दोनों में ये खेल है, दोनों में तो दोनों पांचवे तक स्त्री पुरुष का भेद पांचवे तक है। हाँ। पांचवे के बाद स्त्री पुरुष का भेद खत्म हो जाता है। तो बाबा उसमें गुरु का सहयोग होता है या गुरु है? का सहयोग रहता है उसमें? गुरु का तो हमेशा सहयोग रहता है। और गुरु कहीं बाहर नहीं है, तुम्हारे ही भीतर बैठा है। जब तुम इतनी शुद्धता से जियोगे तो गुरु के सब इशारे मिलने लगेंगे तुम्हें, कहीं भटकने ही नहीं देगा गुरु। तो ठीक है, मैं सभा समाप्त करूं कि एक आध प्रश्न और रह गया? अगर अगला प्रश्न पूछ लिया तो पता नहीं कहां पहुंचोगे। बाबा दूसरे के सिम्टम्स और कुछ हैं क्या है? दूसरे में जैसा आपने कहा दूसरा भाव शरीर जब शुद्ध होता है तो भक्ति आती है। हाँ। तो थोड़ा जैसे हम मंत्र जाप करते जा रहे हैं तो ये डिफरेंस में ये पता करने का और भी जैसे कोई तरीका, जैसे आपने पहले शरीर का बताया, अब शरीर हल्का हो जाएगा, खाना कम हो जाएगा। हाँ। और भी कोई सिस्टम, मतलब दूसरे तो का परिणाम क्या है? खत्म हो जाएगी। अच्छा, भाव की विकृति खत्म हो जाएगी। भाव आपका किसी के प्रति गलत भाव नहीं उठेगा। अच्छा, लूटने मारने का भाव खत्म, आँख सही हो जाएगी, मिठियाई बंद हो जाएगी। और तीसरे में भक्ति का तो मजा ही अलग है। लोग तीसरे शरीर को पहुंच जाएं तो बहुत बड़ी बात समझना, चौथे और पांचवे की तो छोड़ो बात। अगर तुम्हें भक्ति भी घट जाए इस जन्म में, तीसरे शरीर में भी पहुंच जाओ तो बहुत सौभाग्यशाली समझना, जो चौथे पांचवे की बातें आगे की। दूसरा मिल जाए फिर है? दूसरे में आ जाए तो भी बहुत। तीसरा दूसरे में भी आ जाओ, सच कह रहे हो, मंत्र भी सज जाए, तुम्हारे भाव भी शुद्ध हो जाएं, वो ठीक कह रहा है। सब पहले के बाहर खड़े हैं, पहले के बाहर ही हो रही है यात्रा, इसलिए आज मैंने नंगा कर दिया सबके लिए। अब आप कहाँ खड़े हो? नहीं, भ्रम में चल रही है सब साधना, और जरा सी बात तुम्हें हिला देती है। हाँ। काहे की साधना वादना है। तो फिर अपन अभी टाइम है, अभी बचा हुआ है, ABCD से फिर शुरू कर देते हैं। वही करो, डायनेमिक जम के वही करना, और कुंडलनी करो, नटराज करो, सब जबरदस्त प्रयोग करो, और इन प्रयोगों के बाद तुम्हारे अंदर मंत्र साधना आएगी अपने आप। मंत्र साधना करो, मंत्र साधना से भक्ति, भक्ति का जो आनंद है, परमात्मा का नाम भक्ति में इतना रसपूर्ण है कि भक्ति में से निकलने का मन नहीं होता। भक्ति से साधना, भक्ति से साक्षी में एक जन्म लग जाता, छूटती नहीं है भक्ति, बहुत आनंददायी है। सबसे ज्यादा आनंद तो भक्ति में आता, अगर भाव पवित्र हो गया है तो भक्ति का बड़ा आनंद है। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चार ही शरीरों की यात्रा है, और पांचवा शरीर जो है वो चौथे का परिणाम, चौथा शुद्ध होगा तो पांचवा प्रकट हो जाएगा, फिर इसके बाद कोई व्याख्या नहीं, कोई यात्रा नहीं, फिर यात्रा अस्तित्व करता है, तुम नहीं करते, कर तो अभी भी अस्तित्व ही रहा है, लेकिन अभी तुम बीच में ठसे हो, इसलिए हम तुम्हें ही मान के चले। बाबा वहाँ अनुभव होना बंद हो जाता है? सब अनुभव बंद, इवन तुम आनंदित हो ये भी एक अनुभव है। वो होता है कभी कभी बाबा, वो झलके आती है फिर वो चले जाते हैं। हरिओम, चलते हैं बाबा हम आज। आशीर्वाद तो हमारे रहते ही, हमें से ही रहता।
ओहो हो मैं बेचती हूँ सबको मिल जाएगी।